साइकिल चलाने वाला बंदा का घर है बंदे का क्या करेगा, इंसान का किराया देगा 12,000 रुपए जो है वो बिजली का बिल देगा। हमें नहीं पता कि हम पे कौन हुक्मरान है कौन हुकूमत कर रहा है। 2 महीने का बकाया हो चुका है, रात को मैंने बच्चे ने चेक किया तो 3,000 बन चुका था इस महीने का शोर। इस साइकिल से हम कहाँ से निकाल रहे हैं, बस क्या करें। हम एक बंदा काम करते हैं, हमारा 20,000 रुपए तनख्वाह है, उसमें हम निजाम चलाते हैं। 50,000 सैलरी ले रहे हैं प्राइवेट एक काम करते हैं कंपनी में, 10,500 ये हो गया बिजली का गैस का भी अलग है और पानी का, तो इससे क्या बचेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, SNN के साथ मैं हूं अजाम फरकान चौधरी। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूं। नासीन, बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे ने आवाम की चीहें निकाल दी है। ये वही हुकूमत है, शुबाज शरीफ हुकूमत है, जो कहती है गरीबों को सुकून मिलेगा रिलीफ मिलेगा। नासीन, गरीबों को सुकून और रिलीफ का तो नहीं पता, लेकिन लोग महंगाई से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। रावलपिंडी में मौजूद है, अवामी सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे उनका बिजली का बिल कितना है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है यार। क्या कितना आ रहा है बिजली का बिल, लोगों ने तो रोना शुरू कर दिया है, कहीं 50,000 कहीं 40,000, आपका कितना आया है? 12,000 कुछ आया हमारा बिल, पैकेज चलाने वाला बंदा किराए का घर है बंदे का क्या करेगा, इंसान का किराया देगा 12,000 रुपया जो है वो बिजली का बिल देगा। अरे मैं हम तो अफसोस करते हैं, इस पाकिस्तान में पैदा क्यों है, अल्लाह जानता है। अब जिंदगी से भी ना को प्यार है, अब हम सिर्फ ये सोचते हैं अल्लाह मौत दे और बचाएं यहाँ से, अब क्योंकि अब हमारी हर चीज़ की लिमिट होती है, अब हमारी हद पार हो गई हुई है। अब हम इस बाइके से ऊपर हम इस उम्र में और क्या कर सकते हैं, ना को हुनर है ना और कोई काम है हमारे पास, एक बाइके का काम है इसमें से 12,000 किस तरह फिर पूरा करते हैं, 12,000 बिल घर का किराया, उधार चढ़ा चढ़ा के अपना बेड़ा कर किया हुआ अपना, और क्या एक बैकिया चलाने वाला बंदा और 1,25,000 रुपए उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो क्या करेगा यार। मैं क्या पूरी दुनिया रोने पे आ गया, जिसकी 1,00,000 रुपए तक है वो भी रोने पे आया हुआ है, जिसकी 10-12,000 तक है वो भी रोने पे आया हुआ है, यार हम किधर जाए। हुकूमत तो कहे थे हम रिलीफ देंगे आवाम को, अपने कपड़े बेच कर रिलीफ देंगे, वो कोई रिलीफ नहीं मेरा भाई, वो सारे ये सियासी नारे होते हैं, बकाया जो भी आया अपने लिए आया, इस आवाम के लिए कोई भी नहीं आया। ठीक है, कैसे अंकल जी बिजली का बिल कितना है अंकल आपका, बिजली का बिल 19,000 कितना है? 19,000 बिजली का बिल, तो बिजली का बिल देंगे घर का किराया देंगे या खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, अपना लाभ पैसे को क्या करेंगे। ये मौजूदा हुकूमत क्यों आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही? असल में बात यह है कि ये पहले से जो कुछ हो रहा था, अच्छा ये कंटेनर पे इमरान खान क्या कह रहा था, लोगों लड़कियां नहीं होंगी लोग नहीं आएंगे, मिनहाज उल करम तारीख हम साथ में लोगों की बच्चियां वहां खड़ी की है, तो किधर का रहने वाला, ये सब कुछ इमरान की वजह से जो हो रहा, मुल्क इसने ये चाहता है कि मुल्क चला जाए। इसने TV पर कहा कि हम जो है ये एटम भी जो है वो देंगे, ज्यादा ये इमरान जो है मुल्क के लिए गद्दार है। इस वक्त जो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है, ऐसा कहना था यहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग का। मजीद भी लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मुझे बताएं कितना आया बिजली का बिल आपका? हमारे यूनिट थे कोई 250 यूनिट थे और 21,000 बिल आया। कितना? 21,000 घर का किराया समेत बिल बिजली का। सर ना कह रहे दिक्कत बात है, 200 से कम हो, 21,000 बिजली का बिल, 200 से कम यूनिट हो तो और रेट है, अब जब 200 से ऊपर हो गए हैं तो अब मेरे ख्याल से 40-45 फी यूनिट लगता है। ये सरवाइव किस तरह कर रही है आवाम इस वक्त? मैं पर्सनली अपना रोड पर अपना खुद एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा कि मेरे घर का बिल इस वक्त 50,000 रुपये आया है। अभी अगर 300 यूनिट हो जाते तो यही बिल आपको 30-35,000 रुपये होता है, यूनिट यही रहना था। पहले 300 यूनिट का बिल जो आता था वो ज्यादा 7,000-8,000 आता था। ये हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो बिजली के बिलों में ही आवाम खुदकुशियाँ कर रही है, तो किस तरह चलेगा निज़ाम? हुकूमत है कि ये हमें नहीं पता कि हम पे कौन हुक्मरान है कौन हुकूमत कर रहा है, हमें ये नहीं पता। शहरियों का ये कहना है कि मुल्क में हुकूमत तो नहीं है, हम नाम किसका लें भाई, कौन है हुक्मरान जो इस वक्त किराया पर हुकूमत कर रहा है, शहरियों को ये भी नहीं पता। तंजिया अंदाज में कह रहे हैं जिस तरह हुकूमत ने आवाम को इस वक्त पीस रही है,
महंगाई की चक्की में, और शहरियों का इस वक्त जो हालात हैं, मजीद लोगों की क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, चेहरा आपका बता रहा है। बिजली का 2 महीने का बिल बकाया है, तीसरे महीने का आएगा, नहीं कराया मैंने बताया। अच्छा जी, 2 महीने का बकाया हो चुका है। रात को मैंने वो बच्चे ने चेक किया तो 3000 बन चुका था इस महीने का, छोड़ के इस बाइक से हम कहाँ से निकाले बिजली का। कोई किस्सा सरवाइव किया जा रहा है, बस क्या कर, सारा उधार ही है फिलहाल, सब उधार ही किया हुआ है, बस हुकूमत नाम की चीज कोई है नहीं, ये तो वैसे ही मोरे बैठे हुए हैं, पीछे को और अब ये हुकूमत के बिल ही आप लोग दे रहे हैं, घर का राशन, रोजगार, ये किस तरह चला रहे हैं? कर्जा खुदा चल रहा है, सब कर्जा चल रहा है, कर्जा चल रहा है, सब कर्जा चल रहा है। ये भाई भी मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कर्जे पे चल रहा हूँ, ये भाई मौजूद है, ये भी कह रहे हैं कर्जे पे चल रहा हूँ, आप भी कर्जे पे जा रहे हैं, तो भाई जान ये किस तरह चलेगा निजाम? अल्लाह की आस पे गुजार रहे हैं, आपके सामने आवाम की मुंतखब कर दो, हुकूमत तो है नहीं, ये तो आपको भी पता ही है सारी बात का, तो आवाम को किसी की क्या एहसास होता है। एक नौजवान मौजूद है, मुसाफिर है यहाँ पर, मैंने रोजगार के लिए आया है, इनसे पूछते हैं इनका बिजली का बिल कितना आया और किस तरह ये कमा रहे हैं, घर का खर्चा किस तरह चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? ये हम कराची से आए इधर मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए, मुझे बताइएगा बिजली का बिल कितना आपका आया है? हमारा बिल आया 60,000 रूपए। कितना? 60,000 रूपए। तो घर में कोई कमाने वाले भी नहीं है, बस हम ही कमाते, कोई ये भी नहीं हमसे बड़ा, बस क्या करे हुकूमत है हमारा। ये किस तरह सरवाइव किया जा रहा है आप लोग, किस तरह घर का राशन, बच्चों की फीसें, भाइयों की फीसें, घर का किराया किस तरह मैनेज करते हैं? बस क्या करे, हम एक बंदा काम करते हैं, हमारा 20,000 रुपए तनख्वाह है, उसमें हम निजाम चलाते हैं। तो ये हुकूमत तो कहती है नौजवानों को रिलीफ देंगे, नौजवानों को नौकरियाँ देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। नहीं, हमें नौकरी किधर मिले, हम बस मजबूर होंगे, फिर हम अपने लिए नौकरी ढूंढेंगे, हम हमें तो अभी तक कोई नौकरी शोकरी नहीं मिले, अभी तक हम इंशाल्लाह ताला कर दें। मुल्क का वो तबका है जो समझा जाता है कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है नौजवान, लेकिन जब इस मुल्क के अंदर ये नौजवान ही शिकवा करेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारे घर के किराए इतने, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, तो फिर मैं नहीं समझता कि जमहूरियत चलेगी या इस मुल्क में कोई हुकूमत है या वो चल रही है। मुझे इतने लोगों से जानते हैं, उनकी क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं चाचा जी? अल्लाह पाक का करम है। मुझे पता है बिजली का बिल कितना आया है, जान तो लोग रो रहे हैं। बिजली का बिल तो बिल्कुल अब पागल कर दिए ना करें सर, 20,000-25,000। कितना? 20,000-25,000 घर के किराए समेत, किराए छोड़ के, किराया तो लग गया 25,000 किराया लग गया। सर ये किस तरह फिर, ये टैक्सी से किस तरह ये सिस्टम वगैरह चल रहा है? 2 बेटे हैं वो साथ, और हुकूमत तो वो क्या कर रही है, वो तो जितना खुद जोड़ सकती है जोड़ती है साथ। रिलीफ क्या रिलीफ दे रही है? रिलीफ यही है कि कारोबार है ही कुछ नहीं, ये बैठ के चल रहे हैं, इन्होंने जो थोड़ा बहुत कारोबार था वो भी खत्म कर दिया, तो इस पर बैठते ही नहीं है, शाम को 1,000-1,200 कभी देते जाते हैं, कभी नहीं देते जाते। बजट में कोई रिलीफ आपके लिए? कुछ भी नहीं, क्या रिलीफ है, मुल्क किस तरह चलेगा? अल्लाह ही चला रहा है मुल्क, बाकी ये शहबाज शरीफ सिर्फ शहबाज शरीफ तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन चल रहा नहीं है, तो बाकी साथ मिले हुए लोग वो कहते हैं काफी मायूस नजर आ रहे थे। सर कैसे है? जी अल्लाह का करम, आप सर काफी परेशान नजर आ रहे हैं या खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहें, बिजली के बिलों की परेशानी है? जी जी, सबसे बड़ा मसला तो यही यार, मुझे पता था इसीलिए मैंने, कितना आया बिजली का बिल? जी 10,500 आया। कितना? 10,500 और 203 यूनिट है टोटल, साफ लगा लें 200 से जैसी ऊपर जाते हैं तो घर का किराया, बच्चों की फीस, पीछे क्या बचता है आपको? पीछे देखें अभी 50,000 सैलरी ले रहे हैं हम, प्राइवेट एक काम करते हैं कंपनी में, तो 10,500 ये हो गया बिजली का, गैस का भी अलग है और पानी का, तो पीछे क्या बचेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये गरीब का सोच नहीं, ये गरीब आवाम को मारने के चक्कर में है। ये 1,000 रुपए की दिहाड़ी वाला 50,000-60,000 रुपए किस तरह अदा कर रहे हैं? ये बड़े मुश्किल हो गई है जी, लोग जो है ना खाने के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का नहीं हो रहा, और ऊपर से ये बिजली के बिल जो है ना ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से लोग बहुत टेंशन, मीटर कटवा रहे हैं, कह रहे हैं जी हमसे तो नहीं जमा। तो हुकूमत रिलीफ वगैरह? कोई रिलीफ नहीं दे रही है, दुखी दिल से है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। पहले पूछ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का सर, बिलीव मी अंकल खड़े हैं,
अंकल ने बिजली के ऊपर जो बिजली के बिलों के ऊपर जो कहा, यकीन करें मेरी आंखें नम हो चुकी थी। कितना आया बिजली का बिल आपका? 15,000 रुपया जी। 15,000 रुपया? ये किस तरह फिर सर मैनेज हो रहा है? 15 घर का किराया मिलाकर? सिर्फ बिल का जी भाई, बिल का 15,000 रुपया बिल आया है। किराया छोड़कर? घर अपना है। अच्छा, घर अपना है। सर ये 15,000 रुपया बाइकिया से, बच्चों की फीस, घर का राशन, खुशी गमी, ये किस तरह चला रहे हैं? बस अल्लाह पाक चला रहे जी। और शहबाज शरीफ? जिंदाबाद। वो जिंदाबाद, आवाम का बड़ा घर कर दिया है मियां दे नारे वजन के। क्या बात है नादिन, ऐसे भी लोग हैं इस वक्त लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं बना हुआ, लेकिन इस वक्त महंगाई का रोना, एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज, घर में राशन नहीं, और ऐसे भी शख्स हैं जो इस वक्त नारे लगा रहे हैं। इनकी अपनी राय है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना सिर्फ कहूंगा कि हक के लिए आवाज उठाएं। अगर मैंने आपको कहा कि मेरे घर का अपना बिल 50,000 रुपया है और सड़क पर खड़े होकर मैंने अपने लिए भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, आज मजीद भी लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, हमारे साथ रहिए। कितना आया बिजली का बिल? 10,000। घर का किराया समेत दिया? नहीं नहीं, घर अपना है। मुनासिब आया? क्या समझते हैं सर? दादा आया, मेरा एक पंखा चलता है, एक फ्रीजर है बस। एक पंखा, एक फ्रीज हो, 10,000 रुपया, दो बच्चे पाल रहा हूँ बस। कितनी फैमिली होती, दो बच्चों? सर ये 10,000 रुपया बिजली का बिल, क्या काम करते हैं सर? सर मैं ये फास्ट फूड का काम करता हूँ। फास्ट फूड का काम करते हैं, अच्छा कमा लेते हैं मंथली। बच्चों की फीसें, राशन, खुशी गमी, 10,000 रुपया बिल हाल ही बिजली का, तो किस तरह सरवाइव हो रहा है? सर नहीं हो रहा, चलना नहीं हो रहा, ओवर जा रहा है मेरा तकरीबन। सब लोग ये कह रहे हैं कि हम कर्जे पे चल रहे हैं, यकीन करें मेरे रिकॉर्ड में। सर मेरे 30,000 रुपया कर्जा है मुझे, ये बिल आने की वजह से। तो रिलीफ की बातें जो हुकूमत कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही, सब ड्रामा है। बिल्कुल आज रावलपिंडी में मौजूद है, अवामी सर्वे किया बिजली के बिलों पर, अवाम की जो रद्द अमल था, अवाम काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। लोगों ने कहा कि इस हुकूमत ने हमें पागल कर दिया, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। बिजली के बिल 900 रुपया कमाने वाला किस तरह 50-60 हज़ार रुपया अदा कर रहा है, ये वही जानता है, शहबाज शरीफ साहब नहीं जानते। खैर इंशाल्लाह नए टॉपिक से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।